लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां और देश के हर नागरिक में एक अलग ही जिज्ञासा बनी हुई है। सभी ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर कौन होगा वो महारथी जो इस बार प्रधानमंत्री की गद्दी संभालेगा। वहीं पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर एक खबर चर्चाओं में लगातार बनी हुई है। अभी हाल ही में प्रधान सेवक का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है, खासकर विपक्ष को इस बयान से गहरा धक्का लगा है। एक वीडियो सामने आया है जो उत्तर प्रदेश का है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बारे में कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। और आज 5 साल के बाद मैं अमेठी के नागरिकों के सामने नतमस्तक होकर के बड़े गौरव के साथ कह सकता हूँ कि बहन स्मृति ईरानी जी उम्मीदवार के रूप में आपके बीच आई, आपके लिए नया चेहरा था, नया परिचय था, लेकिन आपने बहुत आशीर्वाद दिए। भले हम चुनाव समय नहीं जीत पाए, लेकिन आपका दिल जीतने में हम सफल हो गए। आपने इतना प्यार दिया कि 5 साल से स्मृति जी ने इतनी मेहनत इस क्षेत्र के विकास के लिए की है। कभी आपको ये लगने नहीं दिया कि आपने उनको हराया है या जिताया है, जीते हुए से ज्यादा काम करके दिखा। जिस तरह से मोदी जी सरेआम स्मृति ईरानी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, इससे बात एक साफ जाहिर होती है कि प्रधान सेवक ये दिल से चाहते हैं कि स्मृति ईरानी को जनता भारी मतों से विजय बनाए। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन होगा अमेठी का हीरो, स्मृति ईरानी या राहुल गांधी। अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।